चलिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल जो इस वक्त है वो आपको पता है कि कशीदगी काफ़ी ज़्यादा है। जून 2020 से जब गलवान वादी में 20 भारतीय फौजियों ने अपनी जान गंवाई थी और इसके बाद मुसलसल कोशिशें हो रही थी, 13 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अहम बात यह है कि अब 14वें दौर की मीटिंग भी होगी, कमांडर सतह की बातचीत होगी। 12 जनवरी को इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं और इस बीच गुज़श्ता हफ्तों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। उस तनाव को कम करने के लिए और ख़ासतौर से मशरकी लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश के उन हिस्सों के अंदर जहाँ पर हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन के कुछ काम जारी हैं जिन पर सवाल भारत सरकार की तरफ से भी उठाए गए, उसके बावजूद भी पीपल्स रेवोल्यूशन आर्मी की तरफ से काम जारी रखे गए, उन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए और मुज़ाकराती अमल के जरिए कोई आगे की हिकमत अमली तय पाने के लिए एक और मीटिंग होने जा रही है और बाकायदा फॉरवर्ड पोस्ट पर यह मीटिंग होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। मशरकी लद्दाख में भारत की तरफ से जो नुमाइंदगी करेंगे उसमें एक फौज के सीनियर अफसर होंगे और उनके बाद सेकेंड इन कमांड भी होंगे और सरकारी ज़राए से भी ये तस्दीक इस खबर की हो रही है कि अब जाकर बताया जाता है कि तकरीबन 12 तारीख को जब मीटिंग रखी गई है तो ये 14वें दौर की मीटिंग होगी और 14वीं फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स कमांडेंट के लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदिया सेन गुप्ता जो कि भारत की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे इन मुज़ाकरात में और चीन की तरफ से भी पीपल्स रेवोल्यूशन आर्मी के सीनियर अफसर हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर तब्दीलियाँ काफ़ी ज़्यादा देखी गई है और मुख्तलिफ अमूर पर बात होगी। लेकिन सरमा के दौरान जहाँ तक इस तातुल को ख़त्म करने की बात है तो ये पहली इस तरह की अपने आप में मीटिंग होगी और 14वीं कोर कमांडर सतह की बातचीत 13 चुशुल के मकाम पर ख़त्म हुई थी, 14वीं में कोई रास्ता निकलेगा ये बड़ा सवाल सबके सामने।